बैक टू माई चैनल विपाशा व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो देख सकते हैं सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और मौसम में थोड़ा बहुत बारिश हल्का हल्का हुआ और आसमान इतना सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा था ना, तो मैंने सोचा एक और शॉट ले लेते। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना गार्डन में और अभी देख सकते हैं मेरा कितना सारा फ्लावर हुआ है पेड़ में। अभी बरसात का टाइम में ना पेड़ वगैरह हरा भरा रहता है, तो मैं ना यहीं पर आके सुबह सुबह अपना टहलती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, देन मैं आती हूँ अपना फ्लावर वगैरह उठाने के लिए। और देखिए अभी छाँव था, अभी फिर से इतना ज़्यादा धूप दे दिया, लग रहा है कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मिनिमम साढ़े छः बज रहा था। तो अभी देख सकते हैं मैं फ़्लावर उठा ली हूँ और रख दे रही हूँ भगवान का रूम में। तो आज ना भगवान का जो सामान वगैरह रहता है ना, वो जगह ना मैं क्लीन करूँगी। तो यही मैं आप लोग को बता रही थी कि मुझे ये सब क्लीन करना है, ये सब क्लीन वगैरह करेंगे। सो हे गाइस, तो मेरा सुबह सुबह जो जो रूटीन रहता है दो काम हो चुका है। तो अभी मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना है, तो वो मैं लिख लूँगी, क्योंकि फिर मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुझे क्लास भी जाना है। आप लोगों को तो पता ही आज मेरा क्लास रहता है, तो मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, व्लॉग को एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही नया नया व्लॉग इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए। बट मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लिखना है, तो मैं लिख लेती हूँ वो सब। और आज तो बहुत बिजी डे होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे लिखना था, मेरे पास ना बहुत कुछ लिखने का हो गया, मैं नहीं लिख के ना इतना सारा मुझे लिखना है। और सामने एग्ज़ाम आने वाला है, मैं क्या करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, आप लोग देखे वो ब्लॉग मैंने शेयर किया है। और अब इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो मैं बाहर कॉलेज में जाऊंगी, अपना कॉलेज में मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मैं दूसरा कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दूंगी। मे बी तीन दिन मेरे को वो कॉलेज जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मैंने पेन पेपर निकाल लिया और अभी तक बेड वगैरह ठीक नहीं किया, तो इसको लिख लेते हैं, देन मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो मेरा यहाँ लिखना कंप्लीट हो चुका था, तो इसीलिए मैं पेपर पेन वगैरह, मतलब पेपर बोल रहे कॉपी पेन वगैरह मैं रख दे रही हूँ। और ये जो साइड में बिखरा पड़ा हुआ है ना, इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं सुबह से अभी तक पूरा प्रॉपर काम नहीं की हूँ। और यहाँ देख सकते हैं मम्मी सुबह सुबह लग गई इतना सारा कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि दो दिन से ना कपड़ा नहीं धो पा रही थी, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था इधर में कि मतलब सुबह सुबह जो काम है ना वो उसी में अड़चन मतलब आ रहा था, बारिश हो रहा था, तो सुबह सुबह मम्मी कपड़ा नहीं धो रही थी और ढेर सारा कपड़ा जम गया है बरसात का टाइम में। और ऐसा ना कपड़ा धोने का बात नहीं है, सूखने का बात है, और वो सूखता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए मम्मी का बहुत सारा कपड़ा हो गया। और कपड़ा वगैरह ना मम्मी ही वॉश करती है, मैं कभी कभी वॉश कर देती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं अभी धूप नहीं है, हल्का हल्का बारिश ही हो रहा था। और ये देख सकते हैं मैं निकाल ली हूँ ये सब, अभी सबको मैं धोऊंगी, वहाँ पे भी कुछ बर्तन हैं तो ये सबको मैं बढ़िया से धो दूंगी। उससे पहले मैं आयरन कर लेती हूँ, तो यहाँ आ गई हूँ मैं आयरन करने के लिए, क्योंकि आज क्लास है और वो जो क्लास का मेरा ड्रेस है ना वो थोड़ा आयरन करके ही मैं पहनती हूँ, मतलब मेरे को याद रहेगा ना तो मैं आयरन करके ही पहनूँगी। तो यहाँ मैं आयरन कर ले रही हूँ, यही टी शर्ट पहन के जाऊँगी। और जो नया कलर पिंक कलर का जो पैंट लिए थे, जो ट्राउज़र लिए थे ना मॉल से, वही वाला मैं पहन के जाऊँगी। वो ना ये सब पहन के क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही इतना गर्मी है, क्लास करने जाने का मन नहीं करता, बट क्या करें जाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बढ़िया से आयरन कर ले रही हूँ। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पे सारा जो जो बहुत सारा कपड़ा आयरन की हूँ, सिर्फ वही कपड़ा आयरन नहीं की थी, सारा कपड़ा आयरन की थी। पहले पता है मुझे ना आयरन करना नहीं आता था, मम्मी को देख के मैं सीखी हूँ। मैं ना मतलब जब भी आयरन करने जाती थी मेरे हाथ में गर्म लग जाता था, मुझे आता नहीं था। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ ठंडा ठंडा हवा दे रहा था, धूप है बट ठंडा ठंडा हवा दे रहा था, क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा था ना, तो इसीलिए ठंडा ठंडा हवा दे रहा था और मौसम बहुत अच्छा है। और तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैं बहुत देर से निकाल के रखी हूँ और इतना धूल ना कि मेरा फेस पे आके, मतलब मैं निकाल रही थी ना इतना ज़्यादा धूल आ रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
बहुत दिन से ना क्लीनिंग नहीं हो पाया। एक्चुअली मेरा कोई इधर ध्यान ही नहीं था, तो मैं यहाँ पाइप से अच्छा से वो धुल्ला वगैरह को धो ले रही हूँ। ये सब मेरा सारा वॉश हो चुका था, तो मैं अच्छा से धो धो के रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, धूप अभी बढ़िया दिया है तो मैं उसमें सूखने के लिए डाल दूँगी पूरा। और यहाँ पे मम्मी का भी कपड़ा धोना कंप्लीट हो चुका था, बट मम्मी अभी तक कपड़ा को सूखने नहीं दी थी क्योंकि मम्मी बोली तुम जल्दी जल्दी काम करो, उसके बाद ही मैं सूखने दूँगी। तो देन मेरा यहाँ देख सकते हैं पूजा कंप्लीट हो चुका है। मैं फ्रेश होकर पूजा वूजा कर ली क्योंकि मैं ऐसे ही लेट हूँ, तो कुछ ही देर में मेरे को क्लास भी निकलना है और मुझे लंच भी करना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पूजा कर दी। और ये रहे महादेव और ये मेरा मंदिर। में मुझे लाइट जला के देखना ना बहुत पसंद है, मैं जब लाइट जलाती हूँ ना मंदिर बहुत अच्छा होता है। लंच वगैरह तो मेरा लंच वगैरह कंप्लीट हो चुका था, तो मैं ठंडा ठंडा पानी ले ली क्योंकि क्लास करते करते इतना पानी पीती हूँ ना गर्मी के कारण, तो मैं निकल रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं क्लास की ओर। तो फाइनली मैं आ गई हूँ क्लास और यहाँ लगा दी हूँ गाड़ी पार्किंग। और ये हम लोग का क्लास का बाहर में है और वहाँ देख सकते हैं वहाँ से ना ठंडा ठंडा पानी पीते हैं क्लास करने के बाद। तो अभी जाएंगे क्लास का अंदर, इधर बारिश हुआ है तो जहाँ से जाएंगे वहाँ पे पूरा कीचड़े कीचड़े हड़ है। चल चलते हैं तो आगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग का क्लास शुरू हो चुका है और हम लोग आज न्यू कोरियो करने वाले हैं, तो देखते रहिए कोरियो कैसा डांस हुआ आप लोग बताना ओके कमेंट में। तो हम लोग का क्लास होने के बाद यहाँ स्टार्ट हो चुका है जूनियर मतलब बच्चा लोग का क्लास। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मेरा डांस क्लास थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा, ये दीवार वगैरह में पेंट किया गया है। ये रहा हम लोग का डांस क्लास का नेम, तो बहुत बढ़िया से पेंट करवाया गया है थोड़ा यूनिक स्टाइल में। तो हे गाइस, तो मेरा क्लास हो चुका है, निकल चुके हैं देख सकते हैं, आज जल्दी निकल गए हैं हम, धूप है और ज़्यादा शाम भी नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग के बाद जो लोग का बच्चा लोग का बैच रहता है डांस का वो लोग घुस गया था, तो हम लोग का क्लास छुट्टी हो गया। और आज मैं खुद मतलब आज बहुत जम के डांस हुआ, हर दिन होता है। अभी निकल चुके हैं और आज मेरा हेयर ख़राब नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छा से बांधा, मैंने आप लोग को बताया। चलिए चलते हैं आगे की ओर, खाएंगे मार्केट में कुछ सामान लेना। यहाँ सामान वगैरह ले चुके थे, लेते लेते मार्केट में रात हो चुका है, तो अब निकल रहे घर की ओर, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली घर आ गए हैं और ये रहा पूजा का जो भी सामान वगैरह लेके आया है, वो पूजा रूम में ही मैं रख दूँगी क्योंकि यहीं पे मम्मी बोली कि रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। और शंख अगरबत्ती हो चुका है ये देख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ ना ये मंदिर को ना मैं यहाँ पे रखवाऊँगी इधर इस साइड में, देखते हैं क्या होता है, मम्मी भी बोल रही थी। तो चलिए आप फ्रेश हो जाते हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है मुझे, तभी जाके हो जाएंगे फ्रेश। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही नया नया व्लॉग इंटरेस्टिंग व्लॉग मेरे चैनल पे विभाषा ब्लॉग पे आते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे नया एक दिन में नया एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेके, तो तब तक के लिए थैंक यू और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।